आज सामलो गांव में पहुंचे ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सोलंकी, उनके साथ थे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री घासीराम, रणबीर सामदो को महासचिव ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का पद दिया गया है। गांव अड़ेवा और सामदो गांव के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को किया ज्वाइन, सैकड़ों की तादाद में पहुंचे थे लोग। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारे बीच में ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड के अध्यक्ष श्री सुभाष सोलंकी जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम इनका तहे दिल से बिल्कुल तन मन धन से स्वागत करते हैं और आप सभी साथियों का यहाँ पे आने पर, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मेरे गांव से आए हुए हैं श्री सरपंच साहब हमारे गांव सामदो से हैं जी, और हमारे दादाजी हैं श्रुपा और जी हमारे चांदी जी, और अलेवा गांव से भी हमारे रामेर चैल और जी बिल्लू जी हमारे सामदो गांव से और हरदीप चैल जी, मैं सभी का आपसे हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारे भाई साहब सोलंकी साहब जी हमें जो भी गाइडलाइन देंगे हम उन पे खरा उतरेंगे। नमस्कार। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं यहां पहुंचने पर सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और ये पार्टी जो अपने गायक है इनका सभी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रही बात हमारे राहुल गांधी ब्रिगेड अध्यक्ष, थोड़ी देर पहले भाई साहब ने यूथ अध्यक्ष बोल दिया था, वो हमारे राहुल गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। राहुल गांधी ब्रिगेड एक ऐसी ब्रिगेड है, जैसे अब हम आपके बीच में आए हैं, कोई भी समस्या गांव की, मंत्री, एमएलए, सरपंच भी आ गए हमारे यहां बैठे हैं सरपंच साहब, कोई भी अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहे, सुनाई नहीं कर रहे, हमारी टीम का ये काम है कि उन लोगों की आवाज सुनकर और हाईकमान श्री राहुल गांधी तक पहुंचाए, ये हमारी ड्यूटी है, ये राहुल गांधी ब्रिगेड की ड्यूटी है। और इसमें राहुल गांधी ब्रिगेड में हर प्रदेश से, हर स्टेट से लाखों की तादाद में वर्कर, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटा हुआ है। और अब जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है राहुल गांधी ब्रिगेड का, ये कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने, हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस सरकार बनाने बारे एक ये अभियान है। यहां पहुंचे हम, हमारी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सोलंकी जी, उपराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुखबीर सिंह और हमारी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी, सभी का मैं उनकी तरफ से यहां पहुंचने पर सभी गांववासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा अपने कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमपी, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के एमपी एमएलए अगर हम जिता के ऊपर पहुंचावांगे तो राहुल गांधी जी के
हाथ मजबूत होंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात विकास की, बीजेपी का अपना पता है भाई, कितने विकास कर रही है, कितने किसानों का साथ कर रही है, कितने भाई मजदूरों के साथ व्यवहार कर रही है। तो ज्यादा समय तुम्हारा और ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई गलत बात हो तो आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, माफ कर देना। जय हिंद साथियों। नमस्कार। नमस्कार। राम राम। अरे भाई कुछ हलचल नजर नहीं आई आप लोगों के भीतर। साथियों नमस्कार। नमस्कार। राम राम। ताऊ जी आपको भी राम राम। समस्त साथियों को मेरी डॉक्टर सुखबीर आप लोगों के बीच में एक सेवादार के रूप में मैं आया हूँ लोगों से, और जो मान सम्मान सभी नेतागण, नौजवान साथी, बुजुर्ग और ये अड़ेवा गांव के जितने भी मुखिया भी यहाँ पे आए बताए उन्होंने भी, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतना मान सम्मान दिया पार्टी को। साथियों आप लोग जो है राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए हम लोग उस रणनीति को तैयार कर रहे हैं। गांव ये एक छोटी संगठन नहीं है, ये पूरे भारत देश में संगठन काम कर रहा है। ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड पूरे देश में काम कर रहा है। 30 लाख से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं सर, ये आपकी हमारी बहुत बड़ी बात है। और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने समय निकाला, दिल्ली से चल के यहाँ पहुंचे हैं। प्रोग्राम भी थोड़ा लेट होगा, ये प्रोग्राम थोड़ा पहले था। साथियों बड़ी खुशी की बात है, एक न्योता देने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। 3 तारीख का एक रथ यात्रा अभी देखा हुआ, आपने पीछे लिखा भी हुआ है रथ यात्रा। 3 तारीख की रोहतक से रथ यात्रा के लिए सभी साथियों को, ग्रामवासियों को और जो भी दूसरे गांव से कोई भी सज्जन व्यक्ति हमारे बीच में पहुंचे हैं उन सबको भी न्योता है। उन सबको भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलना है, रथ यात्रा में शामिल होना है। रोहतक से सभी गाड़ियां चलेंगी, रथ चलेगा और सीधी रूप तक से वो रथ यात्रा हमारी चल के राहुल निवास पे चलेगी। और राहुल गांधी की मजबूती को और मजबूत करने के लिए, देश को और मजबूत करने के लिए जो तानाशाह सरकार है, जो नकम्मी सरकार है, पूरे देश में कितनी ज्यादा किसानों पे लाठी चार्ज की है, बहनों पे लाठी चार्ज की है, ना जाने झूठ पे झूठ बोलकर और राज कर रही है। दोस्तों इनको भी समय आ चुका है इनको सबक सिखाने का और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना आपका हमारा सबका भारत देश के अंदर हमने वो पूरा करना है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 3 तारीख के सितंबर 3 को रोहतक पहुंचेंगे, रोहतक से दिल्ली चलेंगे। तो सभी साथियों का यहाँ पे आने पर, इतना बड़ा मान सम्मान स्वागत करने पर मैं भी आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। पूरी पार्टी का भी मैं तो धन्यवाद करता हूँ, इतना अच्छा कलाकार, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। और आज के अपने यहाँ पे रणबीर जी जिन्होंने प्रोग्राम की ये रूपरेखा तैयार की है उनको भी मैं बहुत बहुत सारा आभार प्रकट करता हूँ, प्यार देता हूँ। और साथियों आप जब भी हमें भी याद करेंगे आप लोगों के बीच में हमेशा नजर आएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की कोई समस्या क्यों नहीं होगी, आपकी बात दिल्ली तक जाने का काम हम लोग करेंगे। आप बस आशीर्वाद देना, कांग्रेस को मजबूत करना। आने वाले 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके सहयोगी साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको जानकारी देनी है और जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देकर विजय करना है। 90 की 90 सीट के ऊपर आप लोगों को जीतना है और वो जीतने के काम तब होगा जब आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हम लोग भी बहुत सारा प्यार लेकर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई गांव और सारे गजारियां रखी है हमारे भूमि पे यहां पहुंचने पर आप इस समय रात के समय
सभी गांववासियों ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने, प्यारे बच्चों ने जो समय निकाला है, मैं इसके लिए आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत। और हमारे बीच में ये जो हमारी भजन मंडली है, आज इतने सुंदर कला के तहत जो गायक पार्टी यहां पहुंची है, मैं उसका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपने भी बेरा है और हमने भी बेरा है। आज इस भूमि पे मैं पहुंचा, आप भाइयों ने टेम निकाला, भाई भाषणबाजी तो रैलियों में, प्रदर्शनों में होती है। मैं तो दो ही मिनट लूंगा आप लोगों की। आज आप भाइयों ने पता है इस हरियाणा प्रदेश में क्या चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। आतंक, वो आतंक किस प्रकार का है? आज किसान से लेकर के व्यापारी से लेकर के छोटे दुकानदार और मजदूर से लेकर के कोई भी आज सुरक्षित नहीं है, आप सभी ने पता है। आज कांग्रेस पार्टी की छवि पूरे देश के अंदर इतने तेजी के साथ बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों की सरकार पूरे देश के अंदर बन रही है, आप थोड़ा सा साथ दे दो, ये सोच ले कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों की बनने जा रही है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं बचा है। इन्होंने हर प्रदेश के अंदर कहीं पर बहन बेटियों को नंगा कर दिया जाता है, कहीं पर किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है, कहीं पर युवा साथियों को रोड के ऊपर पीटा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं आप भाइयों को जिस टाइम पर सत्ता में आए थे कहा था, अब आपने हर साल काफी नौकरियां दूंगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नौकरियां दी हैं, सारे देश की जनता जानती है। आज हमारी बहनें, आपने देखा, वे बहनें जिन्होंने खिलाड़ी पदक जीते, उन बेटियों को दिल्ली प्रदेश के अंदर जो देश की राजधानी है, वहां वह अपनी मांग के लिए एक महिला के साथ जो शोषण हुआ, खिलाड़ी के साथ, बहन बेटी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोची समझी ताल के तहत बहन बेटियों को घसीट घसीट करके पीटा गया दिल्ली के अंदर। ऐसी षड्यंत्र चाल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर चली। इधर हरियाणा प्रदेश के अंदर नू के अंदर हिंदू और मुस्लिम समाज को लड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई चाबी नहीं है दूसरी, इसने भाई भाई से लड़वा दिया, किसान से मजदूर लड़ा दिया, जातिवाद की राजनीति आज पूरे देश के अंदर चरम सीमा पे लाकर रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज प्रदेश के अंदर बिजली की समस्या आज भयंकर चली हुई है, बार बार कट लगाए जाते हैं। अगर बिजली नहीं आओगी, 36 बिरादरी खाना नहीं खा सकती, क्योंकि बिजली से अन्न पैदा होता है। किसान को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टेम पर पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी तो अन्न कैसे पैदा होगा? भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरे इस गांव के हमदर्द साथियों, मैं यहां आप लोगों से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आया हूं। हमारी और इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड 2006 से चली हुई है। इस ब्रिगेड का
आपके छोटे से बच्चे को आपके इस पवित्र धरती पे ऊपर आज जो आने का मौका मिला, मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बढ़ाया। और आज इस ब्रिगेड को पूरे देश के अंदर सभी स्टेटों में 10% टक्टों में हिस्सेदारी ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड को दे रखी है। ये छोटी बात नहीं है साथियों। हरियाणा प्रदेश में आप लोगों की सरकार 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बनने जा रही है। भाइयों, एक बार साथ दे दो, इन भाजपा ने ना भगा भगा के जनता पीटेगी। ये ग्राम पढ़ने के भी नहीं है, वोट मांगने के भी नहीं है, ऐसा काम इन भाजपा वालों ने कर दिया। किसी भी काम में नहीं जा सकते हैं वोट मांगने के लिए। अपने रास्ते प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बंद कर लिए। असार जिले के अंदर क्या हुआ, एक सरपंच महिला थी, हमारे किसान की बेटी, अपनी जन समस्याओं को लेकर के स्टेज के ऊपर गई। उस बहन बेटी की सरेआम सीएम के बैठे हुए उसको बेइज्जत किया गया। सीएम का काम क्या होता है, देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, हरियाणा प्रदेश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा के लिए सीएम बनाया होता है। आप भाइयों से मैं कहूंगा कि जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज ये आप भाइयों के बीच में ऐसी ऐसी घटनाएं जो प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के बाद नहीं है, इस नष्टी पांडे जनाती है, इस मत के माध्यम से कहूं। अगर भाइयों का साथ मिला, आने वाली अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी और एक भी काम आप भाइयों का नहीं उठेगा। और भाई, मैं एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, भाई मैं तो आप भाइयों का भाई। ये प्रोग्राम रखा है रणबीर जी पांचाल जी ने, आज भाई मैंने देखा रणबीर भाई बड़ा मेहनती और लगनशील कार्य करता है। हाई कमान का इशारा हुआ, हमने रणबीर जी कड़क भाई रणबीर ने दिखा था, दो कड़क हो गया भाई रणबीर को। आज हमेशा सपिदम के साथ, जरा जींद के साथ, इस बार की जो बैल्ट है इसके साथ हमेशा धोखा होता आया है। तो राहुल गांधी जी ने इशारा किया, रणबीर जी को हमने हरियाणा प्रदेश का महासचिव नियुक्त कर दिया है ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का। भाई आप ताली बजाएं और उसका स्वागत करें। भाई आप भाइयों का काम नहीं करेगा सरकार बनेगा। भाई इन बातों के साथ आज जो रणबीर जी ने ये प्रोग्राम किया, भाई पूरी ब्रिगेड खुश है, हम भी खुश थे, सारे कार्यकर्ता भी खुश हैं। और भाई मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो, मैं गांव वासियों से, अरेवा वासियों से, जितने भी दूर दराज से हमारी माता भाई बहन नौजवान साथी पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा। और भाई आने वाले 3 सितंबर को रोहतक पहुंचने का प्रयत्न करें ताकि इस यात्रा को सफल करें और आपकी सरकार बनाए। जय हिंद।